पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयुष मंदिर के अंदर फंसा हुआ है और बेहोश होकर गिर जाता है। उधर मंदिर के बाहर वीरभद्र अपनी तंत्र शक्ति से महावज्र नामक एक हथियार बनाता है और दरवाजों पर वार करता है। सारे दरवाजे एक बार में ही टूट जाते हैं और इससे पहले कि वो संभल पाता, अनामिका वीरभद्र पर जानलेवा हमला कर देती है। अब आगे अनामिका की काली शक्ति का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वीरभद्र के शरीर के आर पार हो गया था। वीरभद्र जमीन पर धराशायी हो जाता है और फिर नहीं उठता। अनामिका को अपनी जीत पर बहुत खुशी होती है और घमंड में चूर किसी बिगड़ैल राजकुमारी की तरह लहराती हुई वीरभद्र के शरीर के पास जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, आखिरकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो ही गई वीरभद्र, भले मेरे हाथों से सही। तुम आयुष के लिए अपनी जान ही देना चाहते थे ना, तुम तो नहीं दे पाए, लेकिन चलो मैंने तुम्हारी जान ले ली। इतना कहकर अनामिका वीरभद्र के मृत शरीर में एक जोरदार ठोकर मारती है। उसकी ठोकर से वीरभद्र का शरीर पलटा, वो मर चुका था, उसमें कोई जान बाकी न रही थी। अनामिका अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर आसमान की तरफ सर उठाकर गला फाड़कर जोर जोर से हंसती है। मेरे रास्ते का आखिरी कंटक भी मैंने निकाल फेंका है। अब राजकुमार विक्रम की आत्मा से मेरी आत्मा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ तुम्हारे मित्र आयुष की मौत होनी बाकी है वीरभद्र। मैं तुमसे कभी पाताल लोक में मिलने जरूर आऊंगी। तभी अचानक अनामिका के शरीर से एक तेज रोशनी जाकर टकराती है और वो हवा में उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। उधर मंदिर में आयुष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मौत उसे अपने आगोश में भरने ही वाली थी, लेकिन वो कहावत है ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अचानक हवा में पानी का एक झरना सा बनने लगा और उस झरने के पानी की एक धारा निकलकर आयुष के चेहरे पर गिरने लगी। आयुष एक झटका लेकर खड़ा हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कई जन्मों का प्यासा हो। आयुष ने उस जल धारा के स्रोत का पता लगाए बिना ही सबसे पहले अपनी प्यास को तृप्त किया। उसके बाद वो ये देखकर खुद भी हैरान था कि वो पानी हवा से निकल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और जल धारा की दिशा में निवेदन करके बोला, आप कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तभी हवा से आवाज आई, एक माँ से कभी उसके पुत्र की हिफाजत करने का कारण नहीं पूछते बेटा। आयुष एक पल में समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा है जो उसकी मदद करने आई थी। आयुष की आंखों से आंसू बह निकले और वो रोते हुए बोला, मैं बहुत टूट गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ। इस पर माँ ने कहा, परेशानियों से कभी हार नहीं मानते बेटा, ये परेशानियां ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम अपनी हर दुविधा का हल ढूंढ सकते हो, बस तुम्हें थोड़े संयम और पुरुषार्थ से काम लेना होगा। अचानक एक सफेद रंग की किरण आयुष के शरीर से टकराई और आयुष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसमें फिर से एक नई शक्ति का संचार हो गया हो। उसकी शारीरिक ताकत फिर से लौट आई थी। मंदिर के अंदर आयुष फिर से संभल चुका था और मंदिर के बाहर जमीन पर पड़ी हुई घायल अनामिका ये सोच रही थी कि उसी के माया जाल के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है जो उस पर ही प्रहार कर सके, वो भी इतना भीषण। अनामिका गुस्से से पागल हो गई थी। वो किसी घायल शेरनी की तरह दहाड़ती हुई उठ खड़ी हुई और चिल्ला कर बोली, कौन है, किसकी इतनी क्षमता कि मेरे ही माया जाल में मुझ पर ही वार कर सके, सामने आ। तभी अचानक अनामिका से कुछ दूरी पर अंधेरे से एक काली परछाई रोशनी में आकर खड़ी हो गई थी। अनामिका पर हमला करने वाली वो शक्ति जो भी थी, उसे देखकर अनामिका की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ती चली गईं। उसके माथे पर पड़ी गहरी सिलवटे ये बता रही थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
अनामिका आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, वीरभद्र तू? वीरभद्र उसके सामने खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ फैलाकर किसी राक्षस की तरह अनामिका के इन हालात पर हंस रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं वीरभद्र, तंत्र सम्राट वीरभद्र। तुम्हारा मनहूस चेहरा भी इस समय देखने योग्य है अनामिका। अनामिका ने एक बार फिर आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे मार डाला था, अभी भी तेरी लाश मेरे समक्ष वहाँ जमीन पर पड़ी है, तूने ये कैसे किया? इस पर वीरभद्र मुस्कुराते हुए बोला, हम लोगों के चारों तरफ अपने माया जाल की ये दुनिया बनाने में तुम इतनी व्यस्त हो गई थी अनामिका कि तुम ये बात भूल ही गई कि तुम्हारा पाला एक तांत्रिक से पड़ा है, और एक तांत्रिक का काम ही होता है तंत्र की रचना करना। मुझे शुरू से ही तुम पर संदेह था, मैं बार बार तुम्हारी काली शक्तियों को महसूस कर रहा था, लेकिन मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था। अनामिका आंखें फाड़े सुनते जा रही थी और वीरभद्र बिना रुके बोलते जा रहा था। जब मैंने देखा कि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास आने पर काम नहीं कर रही हैं, तब मैं जान गया था कि तुमने वाणी के शरीर को अपने मायावी जादू से पोषित कर रखा है, और फिर तुम्हारे कंधे पर भी वही घाव था जो मैंने उस निशाचर को दिया था, और मैं ये भी जानता था कि तुम मेरे समाधि में बैठते ही मुझ पर अंतिम जानलेवा प्रहार जरूर करोगी, इसीलिए मैंने अपने तंत्र से पहले अपने प्रतिरूप की संरचना की। समाधि में मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप बैठा था। तभी अनामिका ने बड़े आश्चर्य से वीरभद्र के जमीन पर पड़े हुए उस शरीर को देखा। वो शरीर एक पल में धुआं बनकर गायब हो गया। अनामिका वीरभद्र के प्रहार से पूरी तरह घायल हो गई थी। उसने इस समय वीरभद्र से लड़ना सही नहीं समझा और वो वहां से गायब हो गई। वीरभद्र तेजी से मंदिर के दरवाजे की ओर दौड़ा और अंदर चला गया। वीरभद्र उन टूटे हुए दरवाजों को जैसे ही पार करता, दरवाजा एक बार फिर से बंद होता चला जाता। वीरभद्र खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि महावज्र के प्रहार के बाद भी इन दरवाजों का फिर से खुद ब खुद निर्माण क्यों होता चला जा रहा है, लेकिन वीरभद्र के पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मंदिर के अंतिम दरवाजे तक वो पहुंच चुका था जिसमें महावज्र अभी भी कड़ा हुआ था। उसने महावज्र को अपने हाथों से पकड़कर झटका दिया, फिर एक जोरदार वार उस दरवाजे पर किया। दरवाजा टूटकर धुआं हो गया था। उसने देखा कि सामने आयुष हाथ जोड़कर हवा में किसी से बातें कर रहा है। वीरभद्र को देखते ही आयुष की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम अपनी जान दांव पर लगाकर आखिर मुझे बचाने आ ही गए, बात के पक्के हो वीरभद्र? वीरभद्र ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इतना बात का नहीं जितना तंत्र का पक्का हूँ। वैसे तुम अकेले इस मंदिर से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे तो लगा था कि तुमने अपनी कटार के दम पर यहाँ कोहराम मचा रखा होगा, लेकिन तुम तो यहाँ किसी अबोध बालक की तरह हाथ जोड़े खड़े हो। इतना बोलकर वीरभद्र आयुष के करीब जाता है, तभी एक झटके से अंतिम दरवाजा भी उसके पीछे बंद हो जाता है। आयुष मुस्कुरा कर कहता है, वैसे तुमने भी इन दरवाजों को तोड़कर क्या ही उखाड़ लिया, दरवाजे तो ज्यों के त्यों फिर भी बंद हो गए। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यहाँ पर एक बंदी था, अब दो हो गए हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैं अपनी माँ की आत्मा से बात कर रहा था। वीरभद्र चौंकते हुए इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो अपनी आंखें बंद करके देखता है तो उसे आयुष की माँ की आत्मा दिखाई देती है। वीरभद्र हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, क्षमा कीजिएगा, मैं आत्माओं को सिर्फ अपनी तंत्र शक्ति की मदद से ही देख सकता हूँ, वैसे मैं बाकी मानवों की तरह ही हूँ। इस पर माँ की आत्मा ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ वीरभद्र, तुमने मेरे बेटे की रक्षा करने में अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कोताही नहीं बरती। अब मैं तुम दोनों से कहना चाहूंगी कि तुम्हारे पास समय कम है, और तुम नहीं जानते कि इस मंदिर में कुल 18 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे मंदिर में प्रवेश करने के लिए हैं,
और 9 ही दरवाजे मंदिर से निकलने के लिए भी हैं। किंतु मंदिर से निकलने के वे 9 दरवाजे अदृश्य हैं। उन्हें तुम्हें खुद अपने दम पर ढूंढना होगा, आयुष ने माँ से पूछा। लेकिन हम उन अदृश्य दरवाजों को ढूंढेंगे कैसे? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, कई बार हमारे सवालों में ही उनका जवाब छुपा होता है। तुम उन दरवाजों को भले ही देख ना पाओ, लेकिन वीरभद्र जैसा महान तांत्रिक तो उन्हें देख ही सकता है। इतना कहकर माँ की आत्मा वहाँ से चली गई और दोनों वीर समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने कुछ ही क्षणों में प्लान बनाया। वीरभद्र अपने तंत्र की शक्ति से उन दरवाजों का पता लगाएगा और फिर वो दोनों मिलकर उन दरवाजों को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे। इसमें उनकी मदद राजकुमार विक्रम की कटार और वीरभद्र का महावज्र करेगा। कुछ ही पलों बाद दोनों मंदिर की भूल भुलैया में दरवाजों को खोजने निकल गए थे। तभी आयुष ने वीरभद्र से पूछा, तुमने वाणी को तो सही जगह सुरक्षित छिपा दिया है ना? इस आपाधापी में मैं तुमसे पूछना ही भूल गया था। वीरभद्र ने आयुष की इस बात का मायूसी से जवाब देते हुए कहा, तुम नहीं जानते आयुष के बाहर क्या हुआ। आयुष ने चिंता भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ? वाणी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वीरभद्र ने धीमे स्वर में आयुष से नजरें बचाते हुए कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वाणी ठीक है या नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि उसकी जान खतरे में अवश्य है। और आयुष ने दबे स्वर में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है वाणी को? वीरभद्र दृढ़ स्वर में बोला, जिसे तुम वाणी समझ रहे हो वो वाणी नहीं थी, या हम मान भी लें तो भी पूरी तरह से सम्मत होकर नहीं कहा जा सकता कि वाणी के शरीर पर अनामिका की काली शक्तियों का असर है या नहीं। अभी बाहर वाणी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, उसके शरीर के अंदर अनामिका की आत्मा आ चुकी है। मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वाणी जिंदा है या मर चुकी है। वीरभद्र के मुंह से ये खबर सुनते ही आयुष उदास हो गया था। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन वीरभद्र ने उसे संभाला और कहा, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। फिलहाल यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढते हैं। हम जितनी देर यहाँ रहेंगे वाणी की जान पर खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आयुष समझ गया था कि अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलकर ही वो वाणी को ढूंढ सकता है और उसकी जान बचा सकता है। इसके बाद आयुष ने एक गहरी लंबी सांस ली और ऊंची आवाज में वीरभद्र से बोला, ठीक है वीरभद्र, हम यहाँ से जल्द निकलेंगे। अब तुम अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके उन दरवाजों को ढूंढने की कोशिश करो। और हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा ये महावज्र मेरी काल चक्र की किताब पर जमे हुए इस अजीबो गरीब जानवर को हटा सकता है? ये कमीना फेविकॉल की तरह इस किताब से चिपक गया है, छूटने का नाम ही नहीं लेता। वीरभद्र ने काल चक्र की किताब पर चिपके हुए उस 8 भुजाओं वाले अष्टभुज जानवर को देखा और मुस्कुराते हुए महावज्र को सिर्फ उसके शरीर से लगा दिया। एक पल में ही वो अष्टभुज जानवर मोम की तरह पिघल कर हवा में भाप की तरह उड़ गया। वीरभद्र ने मुस्कुरा कर कहा, लो हो गई तुम्हारी किताब आजाद, अब इसमें देखो कोई रास्ता मिले तो। मैं भी अपनी तंत्र शक्ति से उन दरवाजों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वीरभद्र अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगा था और उन दरवाजों को ढूंढने के लिए उधर आयुष भी काल चक्र की किताब के पन्ने पलटने लगा था। कुछ ही देर बाद आयुष काल चक्र की किताब में उस पन्ने पर पहुंच गया था जहां पर उन 18 दरवाजों का जिक्र था। मंदिर से बाहर निकलने के लिए बने 9 दरवाजों तक पहुंचाने की पहेली आयुष की आंखों के ठीक सामने थी। वो पहेली इस प्रकार थी, होंगे मायावी जंगल जहर के कुएं, वह सर्प मार्ग के कंटक होंगे, तंत्र और कटार की शक्ति से ही सभी 9 बंधन विफल होंगे। आयुष पहेली का मतलब समझ गया था कि रास्ते में उसे बड़ी जहरीले सांप और जहर के कुएं पार करते हुए जाना होगा और इसमें वीरभद्र का तंत्र और कटार दोनों ही उसकी मदद करेंगे। वीरभद्र ने अचानक आंखें खोली और उसे पहले दरवाजे का पता चल गया था। वीरभद्र ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहला दरवाजा मिल गया है आयुष, वो दीवार जो तुम देख रहे हो वो दीवार नहीं है बल्कि एक दृष्टि भ्रम है। ये सुनकर आयुष को विश्वास तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने उस दीवार के नजदीक जाकर दीवार पर जैसे ही हाथ रखा
दीवार के उस हिस्से में उसका हाथ आर पार चला गया। आयुष ने पलटकर वीरभद्र से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बिल्कुल हैरी पॉटर जैसा है यार। वीरभद्र ने माथे में सिलवटे डालकर पूछा, हरी पुत्र? अब ये हरी पुत्र कौन है, कोई मायावी है क्या? तुम डरो मत, जैसे ही वो दुष्ट मेरे सामने आएगा मैं उसे अपने महावज्र से चीर डालूंगा। आयुष ने वीरभद्र की तरफ निराशा से देखा और बोला, तुम फिल्में नहीं देखते क्या? वीरभद्र ने जवाब दिया, वो क्या होता है? आयुष ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। अगले ही पल आयुष और वीरभद्र उस दीवार के आर पार हो चुके थे और उसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखा वो देखकर किसी की भी जान उसके हलक में अटक सकती थी। वो दोनों एक भयानक जंगल में खुद को पाते हैं। पेड़ों पर भयानक जहरीले सांप लहरा रहे थे, जमीन में हवा में हर जगह सिर्फ सांप ही सांप थे। यहाँ वहाँ बड़े छोटे पत्थर पड़े हुए थे जिनसे नुकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। आयुष ने जैसे ही कदम बढ़ाया नीचे जमीन में पल भर में एक बड़ा सा जहर का कुआं बन गया और आयुष उस जहर के कुएं में जा गिरा। वीरभद्र चिल्लाया, संभलो आयुष। आयुष के उस जहर के कुएं में गिरते ही एक विशाल एनाकोंडा जैसा दिखने वाला नाग आयुष के पीछे कुएं में उतर चुका था। क्या वीरभद्र आयुष को इस जहर के कुएं से बाहर निकाल पाएगा? यही जानने के लिए सुनते रहें कहानी का